वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स. एज कंटिन्यूइंग चैप्टर 7, टुडे वी विल डिस्कस द अनदर फैक्टर ऑफ फॉरगेटिंग, दैट इज फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर. फॉरगेटिंग कैन अकर नॉट ओनली बिकॉज द मेमोरी ट्रेसेस हैव डिकेड ओवर टाइम एज सजेस्टेड बाय द ड्यूज थ्योरी, और बिकॉज इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ स्टोर्ड एसोसिएशन कम्पीट एट द टाइम ऑफ रिकॉल एज सजेस्टेड बाय द इंटरफेरेंस थ्योरी. लाइक अभी हमने जो कल की जो क्लास थी, हमारी जो प्रीवियस क्लास थी, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था आपकी इंटरफेरेंस थ्योरी को, और आपकी जो डिसयूज थ्योरी थी उसको डिस्कस किया था. डिसयूज थ्योरी जो थी उसमें हमें क्या बताया था कि अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को जिसको हम मेमोराइज करते हैं, अगर हम उसको यूज़ नहीं करते, उसको टाइम टू टाइम हम उसको मेमोराइज नहीं करते हैं, रिकॉल नहीं करते, तो वो क्या हो जाती है, वो उसके जो ट्रेसेस जो होते हैं वो फेड हो जाते हैं, और हमारी जो मेमोरी हो जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फॉरगेटिंग में. और इन द सेम मैनर जो इंटरफेरेंस थ्योरी थी उसने क्या आपका डिस्क्राइब किया था कि जब दो तरह की इंफॉर्मेशंस हैं, एक तो आपकी जो करंट इन्फॉर्मेशन हो गई, एक आपकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है आपकी जो माइंड में पहले से ही है, तो जो आपकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है और आपकी जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन जब आपस में कम्पीट करती हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉल, जब हम किसी भी चीज़ को रिकॉल करते हैं तो वो दोनों आपस में कम्पीट करती हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम होती है. अब ये जो आपका रिट्रीवल फेलियर है वो क्या कहता है कि जब हम रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो वहाँ पर क्या होता है, वो क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर रिट्रीवल क्यूज नहीं होते. यहाँ पे क्यूज क्या है आपके, हिंट. रिट्रीवल क्यूज आर एड्स विच हेल्प्स अस इन रिकवरिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी. अभी जो रिट्रीवल क्यूज हैं वो क्या है, एक तरह के एड्स हैं, एक तरह का सपोर्ट है जो क्या करता है, जब हम रिकवर करना चाह रहे हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, रिकॉल करना चाह रहे हैं जो कि स्टोर्ड है हमारी मेमोरी में, तो वहाँ पर वो हमारी हेल्प करते हैं उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए, उसे कॉन्शियस लेवल तक लाने के लिए. दिस व्यू वॉज एडवांस्ड बाई टलविंग एंड हिज एसोसिएट्स हु कैरीड आउट सेवरल एक्सपेरिमेंट्स टू शो दैट कंटेंट्स ऑफ मेमोरी में बिकम इनएक्सेसिबल ईदर ड्यू टू एब्सेंस और इन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिट्रीवल क्यूज दैट आर अवेलेबल एम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ रिकॉल. अब ये जो आपकी इन्होंने थ्योरी दी है वो किसने दी है, आपकी टलविंग ने दी, और उनके जो कुछ सहयोगी थे उन्होंने इस चीज़ पर वर्क किया, और उन्होंने कहा कि कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके बेस पर उन्होंने कहा कि जब हम जो मेमोरी है उसको रिकॉल करना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है रिकॉल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर रिट्रीवल क्यूज अनअवेलेबल होंगे, नहीं होंगे या इनअप्रोप्रिएट होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारा जो रिकॉल है, जिस भी इंफॉर्मेशन को हम रिकॉल करना चाहते हैं, वो क्या हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी और वहाँ पर फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी. इसको बेटा एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि लाइक एक आपका एक पर्टिकुलर एक रूम है जिसमें आप स्टडी करते हो, आपका स्टडी रूम है, आपकी एक स्टडी टेबल है, चेयर लेके आप उस जगह पर बैठते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम सेट है स्टडी करने का, एक प्लेस सेट है उस जगह पर आप बैठकर सारी चीज़ें मेमोराइज करते हो. उसके बाद क्या होता है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो, लाइक एग्जामिनेशन हॉल है, वहाँ पर आप एग्ज़ाम के लिए गए, आपने सब चीज़ें अच्छे से मेमोराइज की हुई हैं, किया हुआ है सब कुछ यार, लेकिन वहाँ पर जब एग्जामिनेशन हॉल में आप लिखना स्टार्ट करते हो तो जो चीज़ें आपने मेमोराइज की थी वो रिकॉल नहीं कर पाते हो. ऐसा क्यों होता है और क्यों, इसका रीज़न क्या है कि जब आप वहाँ पर रिकॉल करने के लिए बैठते हो तो वहाँ पर रिट्रीवल क्यूज आपके साथ नहीं होते, ठीक है. अब क्या होता है, उसके बाद आप घर जाते हो, आप अपने स्टडी टेबल पर बैठते हो फिर से, तो वो सारी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर नहीं रिकॉल कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती हैं. आपको पता है इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आप डेली बैठकर वहाँ पर करते थे वो आपकी मेमोरी के साथ जुड़ी हुई थी, वो क्यूज़ थे, वो हिंट थे, वो क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने में हमारी हेल्प करते हैं. एसोसिएट करके जब हम किसी इंफॉर्मेशन को करते हैं तो वो जो हिंट होते हैं जब हम रिकॉल करते हैं, तो वो उस प्रोसेस में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं. अगर वो क्यूज़ नहीं होंगे तो रिट्रीवल में प्रॉब्लम आएगी. ओके.
अब यहाँ पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए कुछ लिस्ट बनाई। उसमें क्या था कि पहली लिस्ट में कुछ नाम लिख दिए, लाइक उन्होंने पहली लिस्ट में मैंगो लिख दिया, फिर आपका गॉट लिख दिया, फिर आपका हट लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। फिर आपको कहा कि इसको लर्न करिए, पहली लिस्ट दी थी आपको। एक अनोदर लिस्ट उन्होंने प्रिपेयर की, उसमें कैटेगरी डाल दी, जो भी चीज़ें फर्स्ट जो लिस्ट थी उसमें प्रिपेयर की थी, जो उसमें रिटन थी उनकी कैटेगरी डाल दी थी कि वो किस कैटेगरी में आता है। लाइक आपका मैंगो वर्ड है, तो मैंगो वर्ड में उन्होंने उसकी कैटेगरी बना दी। जो सेकेंड लिस्ट थी फ्रूट, ठीक है, गॉट है, गॉट की कैटेगरी बना दी एनिमल। तो जब उन लिस्ट को, जो पहली लिस्ट थी, रिकॉल करने का टाइम आया, तो जो एक्सपेरिमेंट जिन लोगों पर किया गया था वहाँ पर उन्होंने कैसे मेमोराइज करके उसको रिकॉल करना स्टार्ट करा कि कौन सा वर्ड था, कोई फ्रूट था पहले उस पर, तो उनको एकदम से रिकॉल हुआ मैंगो। फिर उसी तरह से कि कोई एनिमल का नेम था सेकंड उस पर, तो उन्होंने कहा गॉट। इस तरह से क्या है, ये जो कैटेगरी थी, सेकंड लिस्ट में, वो क्या थे, क्यूज थे, वो हिंट थे, और उन्होंने जो आपकी पहली लिस्ट थी उसके वर्ड्स को रिकॉल करने में आपकी मदद की थी, हेल्प की थी। तो उनका जो टेलविंग था, उनका ये कहना था कि अगर ये क्यूज नहीं होते हैं, ये हिंट आपको नहीं मिल पाते हैं, तो जब आप रिकॉल करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है फॉरगेटिंग की। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्हांसिंग मेमोरी। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स दैट हाउ कैन वी इन्हांस अवर मेमोरी सिस्टम एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर मेमोरी सिस्टम। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट नेमोनिक्स। देर आर अ नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी कॉल्ड नेमोनिक्स। नेमोनिक्स किसको बोला जाता है, कि जो डिफरेंट टाइप की आपकी स्ट्रैटेजीज हैं मेमोरी इम्प्रूविंग के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको क्या बोलते हैं, नेमोनिक्स बोलते हैं। ओके, सम ऑफ दीज नेमोनिक्स इन्वॉल्व यूज ऑफ इमेजेस वेयर एज अदर्स एम्फसाइज सेल्फ इंड्यूस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्नड इंफॉर्मेशन। अब ये जो नेमोनिक्स हैं, इनको टू टाइप्स हम यूज करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसमें क्या करते हैं, हम इमेजेस के थ्रू मेमोराइज करते हैं, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ओके, सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट नेमोनिक्स यूजिंग इमेजेस। नेमोनिक्स यूजिंग इमेजेस रिक्वायर डेट यू क्रिएट विविड एंड इंटरैक्टिंग इमेजेस ऑफ एंड अराउंड द मटेरियल यू विश टू रिमेंबर। ये जो हम इमेज है, इमेज नेमोनिक्स का यूज कब करते हैं, कि जब हमें किसी भी चीज़ को, मटेरियल को हम लर्न करना चाह रहे हैं, मेमोराइज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम उसकी पर्टिकुलर इमेज बना लेंगे, ठीक है। हम उसके माइंड में एक जो है विविड डिस्क्रिप्शन अपने माइंड में बना लेंगे, उसकी इमेज बना लेंगे, और उसके बेस पर हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे। द टू प्रोमिनेंट मनेमोनिक्स डिवाइसेज विच मेक इंटरेस्टिंग यूज ऑफ इमेजेस आर द कीवर्ड मैथड एंड द मैथड ऑफ लुकाए। आप ये जो आपका इमेज फॉर्मेशन का ये जो नेमोनिक्स है, इसके भी दो मेथड हैं आपके। आपका जो पहला मेथड है वो क्या है, आपका कीवर्ड मेथड, एंड द सेकंड इज मेथड ऑफ लुकाए। सो फर्स्टली वी विल टेक कीवर्ड मेथड। व्हाट इज कीवर्ड मेथड, द कीवर्ड मेथड, इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी टर्म को हम लर्न करना चाह रहे हैं, तो उसके कीवर्ड बना लेंगे। कीवर्ड मीन क्या है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड हम चूज कर लेंगे जो हमारी रिटन इंफॉर्मेशन है, या जो इंफॉर्मेशन हमें गेन करनी है, उस इंफॉर्मेशन के कुछ कीवर्ड्स बना लेंगे, और उसका, उन वर्ड्स का एसोसिएशन किसके साथ कर देंगे, जो पूरी इंफॉर्मेशन है, जो हमारी रिटन इंफॉर्मेशन है, उसके साथ उन वर्ड्स को कनेक्ट कर देंगे, उनकी इमेज बना लेंगे अपने माइंड में। तो क्या होगा कि जिस पर्टिकुलर ये जो हमने कीवर्ड बनाया है कुछ, तो उसको जब हम अपने माइंड में रिकॉल करते हैं, तो उससे जो जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो माइंड है वहाँ पर आ जाती है, रिकॉल हो जाती है। ओके, लाइक यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है कीवर्ड का, किस तरह से हम कीवर्ड अजम्पशन करते हैं। जैसे एक स्पेनिश वर्ड है पैटो। पैटो किसको बोलते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में, डक को बोलते हैं, ठीक है। अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपको डक का मीनिंग पता है कि डक किसको बोलते हैं, बत्तख को बोलते हैं, लेकिन स्पेनिश वर्ड जो है पैटो, वो आप बार बार उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार आपकी टंग पर नहीं आता, आपके माइंड उसे रिकॉल नहीं कर पाता कि आखिर जो स्पेनिश लैंग्वेज में उसको डक को क्या कहते हैं।
तो वहाँ पर क्या है, इन्होंने बताया कि आप वहाँ पर क्या करो, एक इमेज बना लो, लाइक आपका डक है, ठीक है। आपको पता है कि डक एक इंग्लिश में जो वर्ड है वो बत्तख को बोला जाता है, उसी तरह से आप क्या कर रहे हैं कि स्पेनिश वर्ड क्या है, पैटो है। तो पैटो को आप किसके साथ कनेक्ट कर दो, पॉट के साथ कनेक्ट कर दो, उसकी पॉट की इमेज बना लो कि एक पॉट है, बहुत बड़ा सा पॉट है, और उस पॉट के अंदर क्या है, वाटर है, और उस वाटर के अंदर क्या कर रही है, जो डक है वो तैर रही है। तो जब आप इस इमेज को अपने माइंड में बना लेंगे, तो क्या होगा कि जब कभी आप स्पेनिश वर्ड वाला जो डक है पैटो, उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, वहाँ पर वो जो डक है जो पानी के अंदर तैरती हुई, वाटर पॉट के अंदर आपको तैरती हुई आपने जिसकी इमेज बनाई थी, वो अचानक से रिकॉल होगी, और आप जो पॉट है उसको किस उसके साथ क्या करेंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे आप पैटो के साथ, तो आपको वो जो पैटो वर्ड है वो रिकॉल हो जाएगा इजीली। तो ये कहलाता है आपका कीवर्ड, जो पैट जो पॉट वर्ड है वो क्या कहलाएगा, कीवर्ड, क्योंकि उसने क्या करा, जो आपका पैटो वर्ड है उसको रिकॉल करने में आपकी हेल्प की। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें हम मेमोराइज करना चाहते हैं, उन चीज़ों को क्या कर देते हैं, किसी और वर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उनकी इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ जब हम रिकॉल करते हैं तो इजीली हमारी जो मेमोरी सिस्टम है वहाँ से कॉन्शियस लेवल पर आ जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज द मैथड ऑफ लुकाए। इन ऑर्डर टू यूज़ द मैथड ऑफ लुकाए, आइटम्स यू वॉन्ट टू रिमेंबर आर प्लेस्ड एज ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ फिजिकल स्पेस इन द फॉर्म ऑफ विजुअल इमेजेस। अब ये जो मैथड है आपका लुकाए मैथड, इसमें क्या करते हैं कि जो भी आइटम्स हैं जिनको हम लर्न करना चाहते हैं, उसको हम एक ऑर्डर में रख देंगे, एक ऑर्डर में बना देंगे, एक सीरियल बना देंगे उसका, और वो सीरियल कैसा होगा, जिसकी इमेज हमारे माइंड में बन रही होगी, विजुअल इमेज अपने माइंड में बना लेंगे। और जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ को जिसको हम याद करना चाहते हैं तब हम याद करेंगे, तो वो इजीली सीरियल वाइज विजुअल इमेजेस के थ्रू हमारे मेमोरी सिस्टम से कहाँ पहुँच जाएगी, कॉन्शियस लेवल पर। दिस मैथड इज़ पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन रिमेम्बरिंग आइटम्स इन अ सीरियल ऑर्डर। और ये जो मैथड है आपका लुकाए मैथड, ये मोस्टली कहाँ हेल्पफुल होता है आपका, अगर हम किसी सीरियल ऑर्डर में किसी भी आइटम्स को लर्न करना चाह रहे हैं, मेमोराइज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपका लुकाए मेथड हेल्पफुल होता है। इट रिक्वायर्स डैट यू फर्स्ट विजुलाइज ऑब्जेक्ट प्लेसेस डैट यू नो वेल इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। और देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम क्या करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस में लर्न करना चाह रहे हैं, उनको विजुलाइज करते हैं, ठीक है। इमेजिन द ऑब्जेक्ट्स यू वांट टू रिमेंबर एंड एसोसिएट देम वन बाय वन टू द फिजिकल लोकेशन। और उसके बाद क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को जिनको हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वॉन्ट टू रिमेंबर ब्रेड, एग्स, टोमेटो एंड सोप सोप ऑन योर वे टू द मार्केट, यू मे विजुलाइज अ लॉफ ऑफ ब्रेड ब्रेड एंड एग्स प्लेस्ड इन योर किचन। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि आप जो है बाजार से आपको लाना है, ब्रेड भी लाना है, एग भी लाना है, टोमेटो भी लाना है, सोप भी लाना है, ठीक है। अब वहाँ पर भूल ना जाओ आप, तो उसके लिए क्या करना है, आपने एक विजुलाइज किया, किस चीज़ को विजुलाइज किया, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, आपने एक जो है ब्रेड को अपने माइंड में इमेज बनाई उसकी। उसके बाद क्या करा आपने, देखा कि जो एग है ये सारी ये दोनों चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, आपके किचन में रखी हुई, टमाटोज केप्ट ऑन अ टेबल एंड सोप इन द बाथरूम। और जो टमाटो है वो कहाँ रखे हुए हैं, टेबल पर रखे हुए हैं, और सोप कहाँ रखा हुआ है, बाथरूम में रखा हुआ है। वेन यू एंटर द मार्केट ऑल यू नीड टू डू इज़ टू टेक अ मेंटल वॉक अलॉन्ग द रूट फ्रॉम योर किचन टू द बाथरूम रिकॉलिंग ऑल द आइटम्स ऑफ योर शॉपिंग लिस्ट इन अ सिक्वेंस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यूज़ आपका लुकाए मेथड हो रहा है, तो उसमें क्या करोगे कि आपने किचन से लेके बाथरूम तक अपने माइंड में इमेज बनाई थी, जब आप मार्केट के लिए जा रहे थे तो आपने अपनी इमेज जो विजुलाइजेशन किया था चीज़ों का, वो कहाँ से स्टार्ट किया था, किचन से, और उसका एंड कहाँ तक किया था आपने, बाथरूम तक। तो वहाँ पर जब शॉप पर पहुँचोगे तो आप रिकॉल करोगे कि किचन के अंदर मैंने क्या देखा था,
उसके बाद मैंने बाथरूम में क्या देखा था, तो वो जो चीज़ें आपको मार्केट से परचेज करनी थी वो रिकॉल इजिली हो जाएंगी। ये क्या कहलाता है आपका, द मैथड ऑफ लुकाए। सो द मैथड ऑफ लुकाए इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज इट यूजेस इलेबोरेटेड रिहर्सल ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन सिंपल रोट रिहर्सल। दैट इज़ वाई दिस मैथड इज़ यूज वाइडली इलेबोरेटिंग रिहर्सल।